बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल हमने स्टडी करना है उसका नेम लिखें इलेक्ट्रिक करंट बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बेटा इसकी टू टाइप्स होती हैं एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट और दूसरा बेटा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट टू टाइप्स ऑफ करंट है बेटा आपके पास कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा किसकी वजह से फ्लो करता है तो बेटा आप लिख लें इट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू किसके ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कन्वेंशनल करंट बेटा कौन सा होता है विच फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस देखिए बेटा हमारे पास जिन चीजों में करंट फ्लो करता है मैं उनके जरा नाम लिख दू जैसे मेटल है मेटल मतलब कंडक्टर्स नंबर टू बेटा लिख लें यहां पर सेमी कंडक्टर उसके बाद बेटा लिख लें यहां पर इलेक्ट्रोलाइट उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा गैसेस बेटा मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है या मेटल्स में जो कंडक्शन होती है उनका रिस्पॉन्सिबल कौन से पार्टिकल्स होते हैं तो बेटा वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल्स में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमी कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो करता है किस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है इन सेमी कंडक्टर में बेटा कंडक्शन का रीजन कौन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस और बेटा गैसेस में कंडक्शन किस वजह से होती है बेटा वो होती है आपकी पॉजिटिव आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा इन चारों चीजों में कंडक्शन या इलेक्ट्रिक करंट का रिस्पॉन्सिबल ये चीजें होती हैं तो बेटा करंट की टू टाइप्स हो गई कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट बेटा फ्लोस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और बेटा याद रखें कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ जाता है नेगेटिव मतलब अगर मैं आपके सामने देखे मान लो ये मैंने एक सर्किट बनाया ये एक रेजिस्टेंस है और ये इस तरह से आ गया तो ये बैटरी का पॉजिटिव है ये बैटरी का नेगेटिव है तो जो करंट बैटरी के पॉजिटिव से ट्रेवल करके नेगेटिव की तरफ जाता है वो कन्वेंशनल है और वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेज है और जो करंट बेटा आपके पास बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है बेटा वो कौन सा करंट है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो बैटरी के नेगेटिव से बेटा कहा जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव में नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखें देखिए करंट क्या चीज है करंट को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस देखिए करंट का फार्मूला क्या होता है बेटा बेटा करंट के दो फार्मूले हैं पहला फार्मूला बेटा आपके पास है Charge over time. And, बेटा 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 आपके आपके पास पास है, I is equal to e over T. तो बेटा, ये आपके पास के दो फार्मूले हो गए बेटा करंट के यूनिट्स क्या होंगे बेटा देखें चार्ज के यूनिट बेटा क्या होते हैं कूलम्स और बेटा टाइम के क्या होते हैं सेकंड तो बेटा यूनिट क्या बन गया बेटा कूलम पर सेकंड और ये इक्वल किसके होता है बेटा एम्पेयर के तो बेटा करंट के दो यूनिट्स हो गए आपके पास कूलम पर सेकंड एंड एम्पेयर और करंट बेटा कौन सी क्वांटिटी है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और बेटा ये दो फार्मूले हैं अगर आपको चार्ज और टाइम गिवन हो तो करंट आप इस फार्मूले से निकालेंगे और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो बेटा याद रखें ये जो एन लिखा हुआ ना यहाँ पे बेटा ये क्या चीज है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये बेटा ई क्या चीज है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टू पावर नेगेटिव नाइनटीन कूलम और टी बेटा क्या है टाइम है क्वेश्चन नंबर वन है ना देखें इफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4.8 पॉइंट एट माइक्रो एम्पेयर्स is flowing through a point in 2 minutes then number of electrons flowing at that point will be आपके पास बेटा थर्टी सेकेंड्स सा देखें बेटा बेटा आप सबको पता है कि करंट का फार्मूला अब कौन सा यूज करेंगे इस क्वेश्चन में करंट इज इक्वल टू एन ई ओवर टी तो हमने बेटा एन फाइंड करना है तो बेटा क्या बन जाएगी इक्वेशन टाइम वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा बेटा करंट इन टाइम और ई e नीचे आके हो जाएगा डिवाइड तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा करंट की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास 4.8 पॉइंट माइक्रो एम्पेयर माइक्रो होता है बेटा 10 टू पावर माइनस सिक्स टाइम की वैल्यू आप आपके पास 10 पावर 19। बेटा ये जो आपके पास है और ये है, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे बेटा ये आपके पास आ जाएगा थ्री और वैसे भी अगर आप पॉइंट पॉइंट से कैंसिल करें तो ऊपर फोर्टी एट है तो फोर्टी एट या 4.8 1.6 वो आता है तो बेटा बाकी क्या रह गया ये यह थ्री इंटू टेन टू पावर टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय टेन टू पावर नेगेटिव नाइनटीन देखिए बेटा इंटू टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू थ्री थ्री सिक्सटी बेटा ये आपके पास आ जाएगा थ्री सिक्सटी और बेटा आपके पास आगे टेन टू पावर सिक्स नीचे 10 19, को कर करेंगे तो दो जीरो यहां से और आ जाएंगे आगे तो ये बन जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा आंसर एक क्वेश्चन बेटा और लिखें इफ 20000 electrons are flowing through a point in 1 nanosecond then current will be equal to बेटा आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे करंट इज इक्वल टू एन ई ओवर टी बेटा व्हाट आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेटा वैल्यू कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड तो बेटा यहां पुट कर दें यहां ट्वेंटी थाउजेंड ई की वैल्यू बेटा कितनी है टू पावर नेगेटिव और बेटा बेटा टाइम कितना है? आपका वन नैनो सेकेंड बेटा नैनो कितना होता है टेन टू पावर नेगेटिव नाइन अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे देखिए बेटा ये माइनस नाइन है माइनस नाइनटीन है ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास टेन टू पावर नेगेटिव टेन और बेटा ये नेगेटिव टेन है और ये फोर जीरो प्लस के हैं तो ये नेगेटिव टेन में से फोर प्लस यहाँ से निकाल दें बाकी रह जाएगा नेगेटिव बेटा कितना रह जाएगा बाकी आपके पास टू इंटू वन पॉइंट सिक्स और टू इंटू वन पॉइंट सिक्स बेटा कितना होगा थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर नेगेटिव सिक्स तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास थ्री पॉइंट टू माइक्रो अम्पेयर बेटा ये आ जाएगी बेटा करंट की वैल्यू देखिए बेटा नेक्स्ट आर्टिकल बेटा हमारे पास जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको इसमें से लाजमी क्वेश्चन आएंगे उधर एक्टिवली आपने ये आर्टिकल सारा राइट डाउन करना है इसके नोट्स बनाने इसको एक्टिवली आपने सुनना है समझना है बेटा देखिए टॉपिक का नाम लिखें ओह्स लॉ देखिए ओम्स लॉ के अंदर बेटा देखें ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है बेटा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या फिर आप बोल लें पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और बेटा जब आप इस प्रपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो बेटा होता है कैपिटल आर और कैपिटल आर बेटा क्या चीज़ होती है बेटा इसे कहते हैं रेजिस्टेंस और बेटा याद रखें कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है या ओम्स लॉ ओबे सिर्फ तब तक होता है जब तक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट क्योंकि कॉमन सेंस है बेटा कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में क्या रह पाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट और वी आपस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तभी सिर्फ क्या ओबे हो सकता है ओहम्स लॉ तो बेटा ओहम्स लॉ ओबे होने के लिए जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट बेटा रेजिस्टेंस काफी चीजों पे डिपेंड करती है लेंथ पे एरिया पे मटेरियल पे टेम्परेचर पे तो जिन जिन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उन सब का कांस्टेंट होना जरूरी है क्योंकि जब तक वो कांस्टेंट रहेंगे तब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी और जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी बेटा क्या एप्लीकेबल हो पाएगा ओम्स लॉ तो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा इस लेक्चर के बाद ये लेक्चर नंबर वन है वो मिलेगा आपको लेक्चर नंबर टू में जिसमें रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में ए टू जी सब पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे देखिए बेटा मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूँ एक ग्राफ बेटा है वोल्टेज वर्सेस करंट का और एक है करंट वर्सेस वोल्टेज का तो बेटा ये वाला ग्राफ आपका है करंट वर्सेस वोल्टेज और ये बेटा आपके पास है वोल्टेज वर्सेस करंट तो बेटा ये टू टाइप्स के ग्राफ हैं जो हमें आने चाहिए जो पेपर में आ सकते हैं बेटा याद रखें पहला एम सी क्यू ये है कि ओम्ज लॉ का ग्राफ कैसा बनता है तो बेटा याद रखें आपको पता है कि ओम्ज लॉ में क्या होता है वोल्टेज और करंट एक दूसरे के होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ बेटा कैसा बनता है उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन तो इसलिए बेटा आपने याद रखना है कि जो ओम्स लॉ है ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन तो बेटा ये आपके पास चाहे आईवी ग्राफ हो चाहे वीआई ग्राफ हो दोनों के बारे में आपने याद रखना है कि अगर तो ओम्स लॉ ओबेर हो रहा है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन तो बेटा पहला एमसीक्यू क्या बना कि ओम्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है स्ट्रेट लाइन से तो बेटा ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन से इन वोल्टेज करंट और करंट वोल्टेज ग्राफ अगली बात जरा देखें बेटा जब भी वी और आई का ग्राफ या आई और वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी तो जिस भी चीज का वो ग्राफ होगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे ओहमिक डिवाइस तो बेटा ओहमिक बेटा वो होती हैं जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है और जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है बेटा उन चीजों का जो ग्राफ बनता है चाहे वो वी आई का हो चाहे वो आई वर्सेस वी का हो वो हमेशा कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ओह लॉ बेटा क्या हो रहा है ओबे अच्छा बेटा दोबारा से मैं ग्राफ बना रहा हूं वोल्टेज और करंट का और फिर करंट वर्सेस वोल्टेज का बेटा याद रखें जब भी वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज ग्राफ कोई भी कर्व लाइन हो तो बेटा याद रखें जैसे ही वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज ग्राफ कर्व लाइन होगा तो बेटा वो जिस भी डिवाइस का होगा बेटा बेटा उसे हम ओमिक कहेंगे या नॉन ओमिक कहेंगे बेटा याद रखें वो होगा नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन ओमिक डिवाइस का तो बेटा यहाँ पे आप लिख लेंगे नॉन ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस बेटा वो होती हैं जिनकी बेटा क्या चेंज हो रही होती है रेजिस्टेंस तो बेटा जिन भी चीज़ों के रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी तो उनका वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज ग्राफ बेटा कैसा बनेगा कर्व लाइन और जब भी वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज ग्राफ बेटा कर्व लाइन बनेगा तो बेटा इनके अंदर ओमजुला नहीं हो रहा होगा और ये डिवाइसेस बेटा क्या कहलाएंगी नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे बेटा आपके सामने मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं बेटा मुझे बताएं इस ग्राफ के अंदर मैं आपसे पूछूं क्या ओम जिला ऊबे हो रहा है कि नहीं तो बेटा आपको पता है ओम जिला सिर्फ तब तक ओबे होता है जब तक लाइन क्या रहती है स्ट्रेट और यहां लाइन स्ट्रेट नहीं है इसलिए बेटा ये भी किस डिवाइस का होगा नॉन ओहिक डिवाइस का होगा तो बेटा आपने भी देखा कि ओम जो का फार्मूला बेटा क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर अब जरा गौर से मेरी बात सुने अगर मैं यहां से आर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो बेटा वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा वी ओवर आई अच्छा मुझे आप बताएं ये वी बेटा क्या चीज है करंट बेटा वोल्टेज के, के बेटा क्या होता है तो बेटा, के यूनिट क्या बन गए? पर और बेटा वोल्ट पर एम्पेयर किसके इक्वल होता है ओम के और बेटा ओम का एक सिंबल भी होता है इस तरह का ऐसे आप एक हेलमेट सा बनाते हैं तो बेटा ये भी ओम को रिप्रेजेंट करता है तो बेटा याद रखें तो बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके पास क्या आ गया वोल्टेज ओवर करंट और बेटा यूनिट्स बेटा कौन से आ गए यूनिट्स बेटा आपके पास आ गए वोल्ट पर अंपेयर ओम और ये ओम का सिंबल अब यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस बेटा याद रखें ये कैपेसिटेंस नहीं लिखी मैंने कैपेसिटेंस एक और चीज होती है ये कंडक्टेंस है और कंडक्टेंस का सिंबल भी मैं सी ही लिखूंगा लेकिन मैं दोबारा फिर बता दूं यहाँ पे जो मैं सी सिंबल यूज करूंगा इस पूरे टॉपिक में ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये कैपेसिटेंस नहीं है कैपेसिटेंस एक अलग चीज होती है कंडक्टेंस एक अलग चीज़ होती है बेटा बेटा याद रखें जो कंडक्टेंस होती है ना वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस को वन से डिवाइड कर दें तो बेटा ये उसी चीज़ की क्या आ जाएगी कंडक्टेंस तो बेटा आपने देख लिया कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के बेटा क्या होती है इनवर्स इसका मतलब मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जितना किसी सब्सटेंस की कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी उतना उसकी रेजिस्टेंस बेटा क्या करेगी डिक्रीज या फिर आप ये कह लें कि जितना किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी

और बेटा वोल्टेज के बेटा क्या होते हैं वोल्ट बेटा, 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 बेटा क्या बन गया तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे आपके पास ओह इनवर्स और बेटा ओहम इनवर्स को हम मोहो भी कहते हैं ये चीजें सारी याद रखनी है, बेटा आपने मोहो ओहम वाली और भी लिख रहे बेटा सीमनस ये जो बेटा Siemens है ना बेटा ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इस साइंटिस्ट के नेम पे ये यूनिट रखा गया था और बेटा ये Siemens जो है इसका सिंबल भी लिख लें कैपिटल एस क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम था तो बेटा कौन कौन सा यूनिट हो गया बेटा आपके पास कंडक्टेंस के तो बेटा कंडक्टेंस का बेटा फर्स्ट यूनिट कौन सा आ गया एम्पेयर पर वोल्ट या फिर बेटा कौन सा आप लिखेंगे ओह इनवर्स या फिर कौन सा है मोहो या फिर कौन सा है सीमनस और और का बेटा सिंबल क्या कैपिटल एस और एक और चीज भी बेटा लिख लें जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल वाला था हेलमेट की तरह का तो कंडक्टेंस का बेटा सिंबल इस तरह का होता है उल्टा हेलमेट यह सिंबल बेटा किस चीज का है कंडक्टेंस uh, के यूनिट का बेटा यहाँ पे आपने क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितना किसी चीज की कंडक्टेंस बढ़ेगी उतना उसकी क्या काम हो जाएगी रेजिस्टेंस और जितना किसी चीज की रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना उसकी क्या काम हो जाएगी कंडक्टेंस तो बेटा ये वाले सारे पॉइंट्स करने के बाद अब हम जाते हैं वोल्टेज और करंट के ग्राफ्स पे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे ये बेटा आपके पास है वोल्टेज वर्सेज करंट का ग्राफ है और बेटा सेकेंड आपके पास है करंट वर्सेज वोल्टेज तो बेटा यहाँ पे करंट वाई एक्सिस पे होगा और वोल्टेज बेटा आपका होगा एक्स एक्सिस पे तो बेटा एम डी कैट के अंदर आपको ये दोनों ग्राफ 100 परसेंट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है देखिए बेटा पहला क्वेश्चन बेटा कौन सा बन सकता है कि बेटा आप मुझे बताएं कि ये जो वी आई ग्राफ है इसका ग्रेडियंट या जो स्लोप है वो किस क्वान्टिटी को रिप्रजेंट करेगा और ये जो आई ग्राफ है इसका ग्रेडियंट और स्लोप किस चीज़ चीज़ को करेगा या बेटा एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं तो ग्रेडियंट या, या स्लोप के लिए आप क्या करते हो आप वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी का चेंज डिवाइड करते हो एक्स क्वांटिटी के चेंज पर और बेटा वाई एक्सिस पे बेटा कौन चेंज हो रहा है वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे बेटा कौन चेंज हो रहा है करंट और बेटा जब आप वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करते हैं तो बेटा आपको पता ही है बेटा ओम्स लॉ का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर अगर मैं आई जाके नीचे वोल्टेज के डिवाइड करूंगा तो बेटा वी ओवर आई इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस इसके मतलब बेटा क्या हुआ कि वोल्टेज ओवर करंट इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ गया रेजिस्टेंस इट मीन्स दैट अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट करते हो तो वो आपको किस चीज की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस की अब बेटा आप मुझे ये वाला बताएं कि अगर करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ हो तो इसका ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा तो ग्रेडियंट या स्लोप के लिए आप वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी बेटा क्या करते हैं डिवाइड बेटा आपको पता ही है कि बेटा वी इज इक्वल टू होता आई आर अगर मैं यहां से बेटा आर को इधर लेकर आऊं और v को उधर लेकर जाऊं तो बेटा क्या बन जाएगा बेटा आपके पास वन ओवर आर इज इक्वल टू आई ओवर वी

वर्सेज वोल्टेज ग्राफ का जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है वो हमें उस सब्सटेंस की क्या रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का सिंबल मैंने बताया कि मैं इस टॉपिक में कौन सा यूज करूंगा कैपिटल सी यूज करूंगा तो बेटा एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए सिंपली आपने क्या करना होता है कि वाई कोऑर्डिनेट्स को एक्स कोऑर्डिनेट से बेटा आप क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और जब आप वोल्टेज और करंट को बेटा क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो बेटा आपके पास क्या आ जाती है पावर क्योंकि पावर का फार्मूला बेटा क्या होता है पी इज इक्वल टू वी आई आगे चल के हम पावर के भी सारे फार्मूले करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है उसका फार्मूला होता है वोल्टेज इन करंट तो जब वोल्टेज और करंट बेटा आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई तो बेटा वो पावर के इक्वल होगा इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज वर्सेज करंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है

इसका मतलब बेटा क्या हुआ आपके पास कि चाहे आपके पास वी आई ग्राफ हो या आई वी ग्राफ हो दोनों ग्राफ का जो एरिया होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल पावर के लेकिन जो वी आई ग्राफ है इसका ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को लेकिन आईवी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को एरिया दोनों का रिप्रेजेंट करता है पावर को लेकिन ग्रेडियंट बेटा ई का रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को और आई वी ग्राफ का जो ग्रेडियंट या स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को ये सारे पॉइंट्स बेटा आप नोट डाउन कर लें आगे हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस ग्राफ के कैसे बनेंगे आपके देखिए बेटा ये आपको दो डिवाइसेस का वोल्टेज और करंट ग्राफ शो किया गया है बेटा इसमें मान लो एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस बी है बेटा जो ए आपके पास डिवाइस है उसका एंगल है सिक्सटी डिग्री और बी वाले का बेटा एंगल है थर्टी डिग्री बेटा आपसे क्वेश्चन ये बेटा कि ए और बी दोनों की बेटा आपने बतानी है कंडक्टेंस की रेशियो क्या होगी वॉट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कंडक्टेंस बेटा आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब मैं ग्राफ का आर्टिकल करवा रहा था मोशन एंड फोर्स टॉपिक में तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ग्राफ में थीटा गिवन होता है तो आप उस थीटा का क्या, क्या लेते हैं टेन थीटा और जो उस थीटा की बेटा वैल्यू होती है वही उस ग्राफ का क्या होता है स्लोप या फिर क्या होता है वो ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट या स्लोप को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और ग्राफ में एंगल गिवन है तो उस एंगल का आप बेटा टेन ले लेते हैं अब बेटा आप मुझे बताएं कि ये वोल्टेज और करंट ग्राफ है देखिए बेटा वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है बेटा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को तो पहले बेटा हम दोनों की रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड कर लेते हैं और फिर बेटा जो उसका आंसर आएगा उसको उल्टा लेंगे तो जो रेजिस्टेंस की रेशो का उलट होगा या इनवर्स होगा वो बेटा क्या होगा कंडक्टेंस की रेशो का होगा तो पहले बेटा हम रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड कर लेते हैं बेटा अगर मुझे पहले ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना होगा तो मुझे फर्स्ट ग्राफ का टेन थीटा लेना पड़ेगा और अगर मुझे सेकंड ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो मुझे सेकंड ग्राफ का टेन थीटा निकालना पड़ेगा और बेटा टेन सिक्सटी और टेन थर्टी की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है बेटा टेन सिक्सटी की बेटा वैल्यू कितनी होती है अंडरवुड थ्री और बेटा टेन थर्टी की बेटा कितनी होती है वन बाय अंडर उड थ्री और ये नीचे वाला बेटा कहाँ चला जाएगा ऊपर बेटा ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास अंडरवुड थ्री इन टू अंडरवुड थ्री और ये आ जाएगा और आपको मैंने बताया हुआ पहले भी मैं दुबारा दुबारा बताता हूं आपको मल्टीप्लाई तो, क्युं? तो बेटा वो बन जाएगा रूट थ्री का स्केयर और बेटा और रूट और स्केयर बेटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल बाकी क्या बच जाएगा बेटा आपके पास थ्री बेटा ये बेटा रूट थ्री इंटू रूट थ्री बेटा किसके इक्वल आ गया बेटा थ्री के बेटा क्या रेशो बन गई आपके पास रेजिस्टेंस की थ्री रेशो वन लेकिन क्या हमने रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड करनी थी या कंडक्टेंस की कंडक्टेंस की तो बेटा हमारा आंसर बेटा क्या आएगा थ्री बाय वन या वन बाय थ्री आएगा वन बाय थ्री क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की रेशो एक दूसरे के बेटा क्या होती है इनवर्स और अगर रेजिस्टेंस की रेशो आ रही है थ्री रेशो वन तो बेटा कंडक्टेंस की बेटा आ जाएगी वन रेशो थ्री और ये हमारा बेटा आ जाएगा आंसर मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप हमेशा पहले वही चीज फाइंड किया करें जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज और करंट ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट किसे करता है रेजिस्टेंस को तो बेटा पहले रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें जो उसकी रेशो होगी उसको उलट कर देंगे तो बेटा किसकी बन जाएगी कंडक्टेंस की अब जो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बेटा वो आपका हंड्रेड ठीक होना चाहिए वो भी इसी तरह का ग्राफ का होगा देखिए बेटा इस बार मैं ग्राफ बना रहा हूं करंट वर्सेस वोल्टेज का बेटा ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है ए का जो एंगल है वो बेटा आपके पास वो है 60 डिग्री और बी का बेटा एंगल आपके पास है वो है आपके पास 45 डिग्री तो बेटा बी का एंगल आपके पास है 45 डिग्री बेटा आपने इस दफा क्या बताना है आपने आपने इस बार बतानी है रेजिस्टेंस की रेशियो बेटा दोनों की क्या होगी बेटा आप मुझे ये बताएं ये ग्राफ जो है क्या ये वोल्टेज करंट का है या करंट वोल्टेज का है तो आप देख सकते हैं ये करंट वोल्टेज का ग्राफ है बेटा और करंट वोल्टेज का ग्राफ जो होता है उसका ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को तो बेटा पहले हम किसकी रेशो तो किस बन जाएगी रेजिस्टेंस की बेटा आप मुझे बताएं जब भी थीटा गिवन होता है ग्राफ में तो हम क्या करते हैं ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए उस थीटा का टेन लेते हैं बेटा फर्स्ट ग्राफ का बेटा ग्रेडियंट क्या बन जाएगा वो होगा टेन सिक्सटी बेटा सेकेंड का बेटा क्या होगा वो होगा आपके पास टेन फोर्टी फाइव और बेटा टेन रूट थ्री और टेन फोर्टी फाइव बेटा कितना होता है तो बेटा under -root 3 by one, ये किसकी रेशो आ रही है बेटा Conductance की बेटा, हमने किसकी फाइंड करनी थी की की बेटा resistance की बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास वन बायर 3 थ्री तो बेटा ये आपने याद कर लेना है अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा देखें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उनकी रेजिस्टेंस भी बेटा क्या करती है इंक्रीज करती है तो वो सब्सटेंस बेटा कौन से होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और फिर हम वो स्टडी करेंगे जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी बेटा रेजिस्टेंस क्या करती है डिक्रीज करती है तो ये दो तरह के होते हैं सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस की बेटा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है और कुछ की बेटा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस बेटा क्या करती है डिक्रीज बेटा याद रखें बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है कॉपर है निकल है एल्यूमिनियम है प्लाटिनम है ये सारे मेटल्स जो होते हैं मेटल्स को हम समाइम एक और नाम से भी बुला लेते हैं कंडक्टर्स तो बेटा जब भी वो क्वेश्चन में मेटल्स या कंडक्टर्स का वर्ड यूज करें या सिल्वर कॉपर निकल वगैरह ये कुछ कह दें मतलब किसी मेटल का नाम लिख दें तो बेटा जब भी वो मेटल की बात करेंगे या कंडक्टर की बात करेंगे या फिर वो बात करेंगे फिलामेंट ऑफ द बल्ब मतलब किसी भी लैंप या बल्ब का जो फिलामेंट होता है बेटा उसकी बात करेंगे तो फिलामेंट ऑफ द बल्ब कि इन सब चीज़ों के बारे में आपने याद रखना है कि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे इनकी क्या इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस अब बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हीट करने पर या उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस कम होती है वो चीज़ें बेटा कौन कौन सी होती हैं बेटा उनमें जो सबसे मेन चीज़ हमारे कोर्स में वो बेटा कौन सी है सेमी कंडक्टर और बेटा जो सबसे ज्यादा फेमस दो सैमिक इनक्टर है वो कौन से हैं एक बेटा बेट बेट आपके, si. बेट आपके पास है सिलिकन बेटा सिलीकन का बेटा सिंबल क्या बेटा आपके पास एस आई और बेटा दूसरा बेटा कौन सा है जर्मेनियम और बेटा जर्मेनियम जो बेटा आपके पास है इसका बेटा सिंबल क्या आपके पास कैपिटल जी ई तो बेटा जर्मेनियम या सिलिकन या सैमिक इंडक्टर इनमें से कोई वर्ड आ जाए या फिर बेटा वो आपको वर्ड ले लें वहां पे कार्बन या फिर बेटा वो आपको वर्ड वहां पे ले लें थर्मिस्टर तो बेटा थर्मिस्टर वैसे दोनों तरह के होते हैं लेकिन जो मोस्ट थर्मिस्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होती है तो जब वो थर्मिस्टर की बात करें तो आपका हमेशा माइंड जाएगा इस वाले रिलेशन में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बेटा क्या होगी कम होगी तो बेटा ये आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं तो बेटा याद रखें अगर वो थर्मिस्टर का वर्ड यूज कर लें कार्बन का जर्मेनियम का सिलिकन का सेमिक्टर का इनमें से बेटा कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने याद रखना है कि जब इनका टेम्परेचर इनक्रीज किया जाएगा तो इनकी बेटा क्या कम हो जाएगी रेजिस्टेंस और जब वो मेटल्स का कंडक्टर्स का या फिलामेंट का वर्ड यूज करेंगे तो इनकी बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा रेजिस्टेंस बेटा क्या करेगी इंक्रीज ये सारे पॉइंट्स बेटा आपके माइंड में होने चाहिए अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखें अगर मान लो आपके पास टू वायर्स हैं एक कॉपर की वायर है और एक जर्मेनियम की वायर है और दोनों वायर्स को एंड टू एंड मैंने ज्वाइन कर दिया और जब ये दोनों वायर्स एंड टू एंड मैंने ज्वाइन कर दी तो मैंने इनको हैमरिंग की हैमरिंग मतलब इनको अथोरिया मारी हैमरिंग का वर्ड आ जाए या फिर वो ये कह दे कि मैंने इन दोनों को क्या किया हीट तो हीट करने पर हैमरिंग करने पर दोनों की रेजिस्टेंस पर बेटा क्या इफेक्ट आएगा तो बेटा आपको पता है कि जब आप हैमरिंग करेंगे या हीट करेंगे तो दोनों का बेटा कॉमन सेंस है बेटा क्या इनक्रीज करेगा टेम्परेचर और कॉपर का टेम्परेचर बढ़ने पर कॉपर की क्या बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्योंकि कॉपर एक मेटल है और मेटल में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर की रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन जो जर्मेनियम है बेटा जर्मेनियम की कैसी बिहेवियर होती है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है कम इसलिए बेटा जर्मेनियम की बेटा रेजिस्टेंस क्या होगी कम बेटा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर करें अगर आपके पास बेटा एक कॉपर की वायर है और एक जर्मेनियम की वायर है बेटा अगर मैं इन दोनों को कूल cool डाउन करूं लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि मैं इन दोनों को किस में रख दूं फ्रिज में रख दूं फ्रिज में रख दिया मैंने और अगर मैंने कुछ देर के बाद आपसे पूछा कि इसकी टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा आफ्टर सम टाइम फ्रिज में रखने के बाद तो आपका आंसर क्या होगा बेटा कॉमन सेंस से बेटा जब आप कूल cool डाउन करेंगे तो कूल cool डाउन करने से बेटा दोनों का क्या लाजमी कम हो जाएगा टेम्परेचर लेकिन कॉपर एक मेटल है मेटल का टेम्परेचर कम करने पर मेटल की रेजिस्टेंस भी कम होगी बिकॉज वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा जब टेम्परेचर कम होगा तो बेटा कॉपर की रेजिस्टेंस कम होगी और बेटा देखें जर्मेनियम में क्या होगा बेटा आपको मैंने बताया है कि जो जर्मेनियम या सिलिकॉन या सेमिक्ट होते हैं इनकी आर और टी में अगर आप रिलेशन देखें तो जब टी बढ़ता है तो आर कम होता है कॉमन तो सेंस बेटा जब टी कम होगा तो बेटा आर क्या करेगा इंक्रीज इसका मतलब क्या बेटा कि जब टी कम होगा तो बेटा आर बढ़ेगा इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि जब आप कॉपर और जर्मेनियम की दोनों वायर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करके फ्रिज में रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर डिक्रीजिज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज बेटा यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमने और स्टडी करनी है बेटा टॉपिक का नेम लिखें टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा इसका सिंबल एल्फा होता है बेटा इसका लिखें फार्मूला डेल्टा आर ओवर आर ओ इन टू टी और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी माइनस आर ओ ओवर आर ओ इनटू टू टी अब इन चीजों के नेम क्या क्या जरा देखें बेटा ये जो आर टी है बेटा ये होती है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस बेटा आर ओ बेटा क्या चीज है आर ओ बेटा क्या चीज है रेजिस्टेंस एट डिग्री सेल्सियस बेटा यहां पे बेटा टी क्या चीज है बेटा याद रखें ये जो स्मॉल टी लिखा हुआ ये टाइम नहीं है ये बेटा क्या चीज है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस से आप कितने डिफरेंस पे हैं देखिए बेटा अब इसके यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा पहला एमसीक्यू तो ये है बेटा कि टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे बेटा आपको पता लग रहा है कि ये डेल्टा आर ये क्या है चेंज इन रेजिस्टेंस तो बेटा रेजिस्टेंस के चेंज के यूनिट क्या होंगे ओह और नीचे ये भी आर क्या है रेजिस्टेंस तो बेटा इसके भी ओहम होंगे तो ओहम ओहम से बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल बाकी बेटा बच जाएगा सिर्फ टी और और याद रखें ये टी बेटा टाइम नहीं है ये टेम्परेचर डिफरेंस है और बेटा टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर के एस आई यूनिट बेटा क्या होते हैं कैलविन तो क्या बन गया बेटा आपके पास वन ओवर कैलविन क्योंकि ओम ओम से कैंसिल और ये नीचे लिखा हुआ है तो कैलविन नीचे आएगा ऊपर जाके बेटा ये क्या बन जाएगा इसे हम लिख लेंगे के माइनस वन तो बेटा टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बेटा यूनिट क्या होते हैं एस आई पर कैलविन और समाइम इसको पर डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं लेकिन अगर कोई पूछेगा तो ऐसा यूनिट बेटा कौन से है बेटा वो क्या होंगे पर कैलवीन और बेटा इसके अंदर देखें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जरा देखें इधर आपके पास बेटा यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कुछ चीजें मैंने अभी आपको ऐसी पढ़ाई हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है और कुछ चीजें मैंने बेटा वो पढ़ाई हैं आपको जिनकी रेजिस्टेंस और टी में क्या रिलेशन था कि टेम्परेचर जब बढ़ता था तो रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाती थी कम बेटा अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है तो जब मैं ऐसे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेटा जो उसकी नई रेजिस्टेंस होगी बेटा वो पहले वाले से बेटा क्या हो जाएगी ज्यादा और बेटा हायर वैल्यू या ज्यादा वैल्यू में से कम को बेटा अगर आप माइनस करें तो आंसर बेटा कैसा आएगा पॉजिटिव इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि उन सब चीज़ों का बेटा अल्फा पॉजिटिव होगा भला किन चीज़ों का जिन चीजों की भी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है और जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है उन सब चीजों के बेटा अल्फा जो होते हैं वो किस कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं जैसे कॉपर है सिल्वर है निकल है मतलब जितनी भी मेटल्स हैं उन सब मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव होगा और फिलामेंट ऑफ बल्ब का बेटा भी अल्फा कैसा होगा पॉजिटिव लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो जरा खुद सोचें अगर आपने ऐसी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया तो जो नई रेजिस्टेंस होगी बेटा वो पहले से क्या हो जाएगी कम और अगर कम में से मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर बेटा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा नेगेटिव इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जिन चीज़ों की टेम्परेचर जो है बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस बेटा क्या हो जाए कम तो उन सब चीज़ों का बेटा एल्फा कैसा होगा नेगेटिव और बेटा आपको पता है मैंने किन चीज़ों के बारे में बताया था कि जिनका टी बढ़ने पर आर कम होती है जैसे कार्बन है थर्मिस्टर है सिलिकन है जर्मेनियम है सेमिकलेक्टर जितने भी हैं तो बेटा उन सब के लिए आपने याद रखना है कि उन सब का बेटा अल्फा कैसा होता है नेगेटिव और जो मेटल्स होती हैं कंडक्टर्स या फिर फिलामेंट ऑफ बल्ब उन सब का बेटा अल्फा कैसा होता है पॉजिटिव तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद होने चाहिए बेटा अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक कर्व लाइन बनी हो एक ये कर्व लाइन है और एक बेटा ये कर्व लाइन बनी हो और मान लो यहां वो लिख दें ए और यहां लिख दें बी बेटा आपसे क्वेश्चन अगर वो ये करें कि इन दोनों में से बताएं कि जर्मेनियम का ग्राफ कौन सा है और फिलामेंट ऑफ बल्ब का ग्राफ कौन सा है तो बेटा आपका आंसर क्या होगा कि इन दोनों में से, तो इन में से कौन सा ग्राफ है जो जर्मेनियम का है और कौन सा है जो फिलामेंट ऑफ बल्ब का ग्राफ है तो आपके पास बेटा ट्वेंटी सेकेंड है ट्वेंटी सेकेंड जरा खुद देखें इनमें से कौन सा ग्राफ जर्मेनियम का है और कौन सा फिलामेंट ऑफ बल्ब का है फिर उसके बाद बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा उससे बेटा आप कर लेंगे इनशाला अगर कभी भी वी आई या आई वी ग्राफ बेटा कभी भी अगर आपको कैसा आ जाए कर्व लाइन तो आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि टेम्परेचर तो लाजमी दोनों का इंक्रीज करेगा ए का भी इंक्रीज करेगा और बी का भी इंक्रीज करेगा अब उसकी रीज़न क्या है बेटा देखें जब भी किसी चीज़ में से क्या फ्लो करता है करंट तो बेटा करंट का एक होता है हीटिंग इफेक्ट बेटा जब

पहले हॉरिजॉन्टल थी आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल हो रही है तो इसका ग्रेडियंट बेटा क्या कर रहा है इंक्रीज और ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को तो बेटा यहाँ रेजिस्टेंस बेटा क्या कर रही है इंक्रीज अब बेटा मुझे बताएं मैंने आपको क्या बताया था जर्मेनियम के बारे में कि जर्मेनियम का अगर आप क्या बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है कम और फिलामेंट ऑफ बल्ब में मैंने आपको क्या बताया था कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है तो बेटा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये नीचे वाला है इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है तो वो कौन सा होगा इन दोनों में जर्मेनियम में और फिलामेंट ऑफ बल्ब में जिसका टी और आर दोनों बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ तो बेटा वो है फिलामेंट ऑफ बल्ब और बेटा जो ए वाला ग्राफ है उसमें टी बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस कम हो रही है तो बेटा वो कौन सा है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगी बेटा वो जर्मेनियम है तो ए बेटा आपका जर्मेनियम का ग्राफ है और बी बेटा किस चीज का है फिलामेंट ऑफ बल्ब का अब बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है अगले वाला मैं दे रहा हूं वो आप सबका हंड्रेड परसेंट ठीक होना चाहिए और इसी लॉजिक के मुताबिक आपने करना है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे जरा बेटा ये ग्राफ मैंने बनाया है करंट और वोल्टेज के दरमियान बेटा यहाँ पे बेटा मैं दो कर्व बना रहा हूँ एक ये वाली कर्व है एक ये वाली कर्व है बेटा आपने इन दोनों में से बताना है कि इनमें सिलिकन का ग्राफ कौन सा है तो बेटा सिलिकन का ग्राफ कौन सा ये आपने बताना है देखिए बेटा जो भी चीज मैंने आपको समझाई है ना उसके मुताबिक आपने आंसर देना है देखें करंट वोल्टेज हो या वोल्टेज करंट ग्राफ हो दोनों में से कोई भी हो जब भी ग्राफ कर्व लाइन होगा तो बेटा कौन सी चीज के बारे में आपका माइंड जाएगा कि वो लाजमी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर तो बेटा टेम्परेचर तो बेटा दोनों में क्या करेगा इंक्रीज क्योंकि दोनों ही कर्व लाइन हैं अगली बात कि ये ग्राफ बेटा करंट वर्सेस वोल्टेज का है तो करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ का बेटा ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को तो बेटा ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टेंस को और ये भी रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टेंस को बेटा इसके अंदर बेटा ग्रेडियंट क्या कर रहा है डिक्रीज तो यहाँ कंडक्टेंस कम हो रही है और यहां ग्रेडियंट बेटा क्या कर रहा है इंक्रीज तो यहां कंडक्टेंस बढ़ रही है और बेटा कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है तो अगर यहां कंडक्टेंस कम हो रही है तो यहां रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी और अगर यहां कंडक्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस बेटा क्या हो रही होगी कम अब जरा आप बस रिलेट करें टी और आर को तो अगर आप टी और आर को रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है साथ में क्या बढ़ रही है रेजिस्टेंस लेकिन जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन बेटा रेजिस्टेंस क्या हो रही है कम और बेटा मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है और उसके अंदर क्या होता है कि जब उसकी क्या बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो बेटा उसकी क्या कम होती है रेजिस्टेंस तो बेटा ये ग्राफ जो होगा ये इन दोनों में से किसका है सिलिकॉन का तो सिलिकॉन का ग्राफ बेटा ये वाला है क्योंकि सिलिकॉन का बिहेवियर ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होती है और वो इस ग्राफ में हो रहा है तो बेटा ये आपके पास मान लो ए ग्राफ था और ये बी ग्राफ था जो बेटा बी वाला है बेटा वो किसका है सिलिकॉन का